हेलो एवरीवन, दिस इज सारथी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जान सकते हैं, आज हो चुका हम लोग का मंडे, और मंडे को हम लोग का पहला लैब होता है। उसके बाद भले ही 4 पीरियड का गैप होता है, लेकिन पहला लैब होता है हम लोग। तो पहला लैब करने जा रहे हैं, उससे पहले हम लोग नीचे करेंगे आज नाश्ता, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। तो नीचे पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर चलते हैं अपना लैब वगैरह करने, और देखते हैं आज सनी पांडे के बर्थडे का थोड़ा पार्टी वगैरह भी ले लिया जाएगा। उनका बर्थडे था 2 दिन पहले, तो देखते हैं अगर पार्टी मिल जाता है तो वो भी ले लिया जाएगा, और आज उधर ही रहा जाएगा। आज हॉस्टल नहीं रह आएंगे, क्योंकि कोई एग्जाम वगैरह नहीं है, तो क्या फायदा हॉस्टल आके, थोड़ा कॉलेज में भी रह ले कि मजा आए थोड़ा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाकी चलो चलते हैं, अभी नीचे नाश्ता वगैरह करके फिर चलते हैं उधर कॉलेज, और अपना एक आध लैब करके फिर 2-3 क्लास करके वापस आते हैं। मात्र कितना, मैं मैक्सिमम 4 क्लास होना चाहिए, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4, लेकिन रहेंगे आज पूरे दिन कॉलेज में। चलो दोस्तों, भाई लोग ये है आज का कुछ नाश्ता, पूड़ी सब्जी पीनट बटर दूध, काफ़ी हैवी और अच्छा नाश्ता है आज का। बाकी अब हम लोग चल रहे हैं कॉलेज। जी हाँ दोस्तों, धूप देख ही सकते हैं, और इसी में चल रहे हैं कॉलेज, क्योंकि पहला लैब है जो कि नेसेसरी होता है करने, और लैब वगैरह करके अब थोड़ा हम लोग लाइब्रेरी में आ चुके हैं, क्योंकि थोड़ा लिखने का काम बाकी था, तो वो ये लोग आके लिख रहे थे, देख सकते हैं इधर। और बाकी अब हम लोग चल रहे हैं नीचे, क्योंकि अब अपने क्लासेस हैं, जो 5th पीरियड में क्लास होने वाला था उसके लिए अब हम लोग चल रहे हैं नीचे। और B7 देख ही सकते हो बन रहा है, मतलब कि कंस्ट्रक्शन ऑन टॉप चल रहा है, यही दिखा रहा हूँ। और बाकी ये देख सकते हो दोस्तों, क्लास चल रहा है, और यहाँ पे B7 तुम लोग देख ही सकते हो। बस क्लास में तुम लोग मोबाइल यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर मैम देख लेते हो तो सस्पेंड होते हो, तब मेरा कोई नाम मत लगाना। बाकी यहाँ पे देख ही सकते हो व्लॉगिंग चल रही है। जी हाँ दोस्तों, वॉइस ओवर बस पीछे से करना पड़ता है, क्योंकि अब मैम के सामने थोड़ी ना बोलूँगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हो कुछ यहीं हम लोग का फ्रेशर्स हुआ था, और अब हम लोग चल रहे हैं बाहर थोड़ा सनी भाई के बर्थडे का पार्टी लेने। तो यहाँ पे देख सकते हो मोमोज वगैरह खिला रहे हैं। सनी भाई का बर्थडे का पार्टी लेना इज़ नेसेसरी, और इनको देख सकते हैं, दोस्त के पैसे का खाया हुआ थोड़ा अच्छा और अच्छा टेस्ट आ जाता है, उसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है जब वो दोस्त के पैसे का हो। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आइसक्रीम वगैरह खा के अब हम लोग वापस बस आ चुके हैं कॉलेज, क्योंकि अब वापस जाना है हॉस्टल। थोड़ी देर बस B1 के इधर बैठ जा रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद इधर आने का मौका मिला। बाकी अब देख सकते हो वापस हम लोग जा रहे हैं इतनी कड़ी धूप में दोस्तों, धूप देख सकते हो पूरा एकदम, मतलब कि इतना ज़्यादा तेज़ धूप है कि मैं क्या ही बताऊँ। बाकी चलो खैर, हॉस्टल मिलते हैं आप सभी से। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो भाई लोग फाइनली हम लोग आ चुके हैं हॉस्टल। जी हाँ दोस्तों, अपने सारे क्लास खत्म हो गए, एक क्लास था लंच के बाद, वो सर पहले ली नहीं है, तो वो काफ़ी अच्छी बात हुई है। और बाकी सनी पांडे का बर्थडे वगैरह भी जो पार्टी देना था दे दिए, और फिर से गर्मी बहुत ज़्यादा भाई, गर्मी बाहर कितना ज़्यादा है, मतलब क्या ही बताऊँ कितना ज़्यादा है, इतना मतलब अक्टूबर चल रहा है तब इतना गर्मी, अभी ठंडी आ जाएगी वो भी ज़्यादा पड़ेगा। और इस समय इंस्टाग्राम पे एक चीज़ चल रहा था, विंटर आर्क, मतलब उसमें क्या होता है कि जितना भी ठंडी का मौसम है, 1 अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने में तुम मतलब अपने ऊपर ध्यान देना रहता है, उसमें विंटर ठंडियों का चीज़ होता है, इसको कोई विंटर आर्ट बोलता है भाई। इतना तेज गर्मी में वो जो रील बनाते हैं विंटर आर्ट में, ये करेंगे वो करेंगे, इस गर्मी में खड़े होकर देखो जरा, इसको अगर विंटर आर्ट बोलते हैं तो भाई समर किसको बोलते हैं? कंट्रोल, क्या ही बताएं भाई, विंटर आर्ट क्या ही बन रहा है इसको इतना। खैर चलिए, धीरे धीरे फिर ठंडी आ जाएगा, और ठीक है अभी तो हम लोग थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर शाम में थोड़ा दाढ़ी बनवाने भी चलना पड़ेगा, क्योंकि घर जाने वाला हूँ, तो घर जाने से पहले थोड़ा तो मेंटेनेंस लगता ही, संस्कार उम्र से बड़े हैं इसके, नहीं है वरना बाल कट जाएंगे तो वो भी दिक्कत है। वैसे चांसेस तो ज़्यादा हैं ही कि बाल कटेंगे ही, क्योंकि घर जा रहा हूँ तो बाल कटना तो श्योर ही श्योर है। बाकी मिलते हैं दोस्तों बाद में आए। 2 hours later, सो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, अब हम शाम हो चुका है, और अभी तो शाम बाहर चल के दिखा देंगे। बाकी अब हम लोग चल रहे हैं थोड़ा दाढ़ी वगैरह बनवा लेने। जी हाँ दोस्तों, घर जाने से पहले ये कुछ अपने से कर लेना चाहिए, मतलब दाढ़ी वगैरह ठीक करवा लेना, कि बाय चांस ऐसा हो सकता है कि बाल ना कटे। बस ये एक छोटा सा पहल है मेरी तरफ से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाकी देखो क्या होता है घर जाने के बाद, मुझे तो 99% श्योर है कि बाल कटेंगे। बाकी अभी चलते हैं हम लोग दाढ़ी बनाने, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है, कभी बढ़ाएंगे दाढ़ी भी बढ़ाएंगे कभी अगले साल कभी कभी। बाकी चलो नीचे पेटीज खाएंगे, आज है मंडे, आज होगा पेटीज, चलो पेटीज खाते हैं, पेटीज के साथ 2 बिस्कुट। और भाई लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग शाम को थोड़ा निकल चुके हैं बाहर। जी हाँ दोस्तों, बाल वगैरह कटवाने तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आज मंडे है, बस ऐसे ही थोड़ा टहलने वगैरह निकले हुए हैं, कि क्योंकि शाम को थोड़ा निकल जाओ टहलने तो अच्छा लगता है। बाकी ये देख सकते हो अब हम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर गए ही नहीं थे,
अब उमर भाई आएंगे तभी उनके साथ बाहर वगैरह घूमने जाते हैं। खैर देखो कब तक आते हैं। और यहाँ पेटीज वगैरह देख ही सकते हो, आज का यही है नाश्ता। A few moments later. So, दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हम लोग अभी आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, दाढ़ी वगैरह नहीं बनवाए क्योंकि आज है मंडे और मंडे को नहीं बनवाया जाता। ये मेरे दिमाग से बस बात निकल गया था, मुझे ये ध्यान में था लेकिन निकल गया था। खैर अरे कहना क्या चाहते हो, क्या कर सकते हैं आप, या तो वेडनेसडे को ही बनवा लेंगे जिस दिन जाना ही होगा, या तो फिर घर ही चल चलेंगे। खैर अभी हम लोग आ चुके हैं रूम पे और अब थोड़ा बहुत टाइम पास कुछ करते हैं, फिर अपना रात में चला जाएगा खाने पीने। आज वैसे देखा जाए क्या खाने में होता है, स्पेशल में आज लस्सी है बस, मुझे इतना पता है। और खाने में कुछ वही अपना कुछ मतलब कि सब्जी वगैरह कुछ वही होगा तो खा लिया जाएगा। बाकी मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद दोस्तों, तब तक थोड़ा आराम करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग थोड़ा कैंटीन आए थे। जी हाँ दोस्तों, कुछ रात के खाने के लिए भी लेना चाहिए था। और ये कैंटीन देखो भाई, इस समय कितना खाली, और यही अगर तुम दिन में आ जाओ कभी पूरा भरा रहता है, तो ये देख सकते हो। So, भाई लोग फाइनली हम लोग खाना पीना खा के आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं किए क्योंकि वहाँ पे लाइट काफी कम था। अभी बताता हूँ आगे। पहले खाना क्या था, खाने में दोस्तों हम लोग का था पालक आलू का सब्जी था और रोटी चावल था, दाल था, ये सब था खाना। और रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इतने ज्यादा कीड़े थे वहाँ पे, मतलब कि पूरा मैच पहले तो लाइट बंद था क्योंकि कीड़े काफी ज्यादा आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी रूम में लाइट जल रहा है, ये भी मैंने कई घंटों बाद जलाया कि कीड़े अब नहीं आए, और रूम का गेट बंद करना पड़ा है क्योंकि कीड़े आ जा रहे हैं। फिर पढ़ भी नहीं पा रहे, और मतलब लैपटॉप ही बस ऑन रखोगे तो भी उस पर भी कीड़े आ जा रहे, तो काफी दिक्कत हो रहा है इस समय। मतलब कि ये अगर ये विंटर आर्क की शुरुआत है तो काफी खतरनाक है, विंटर आर्क ही खतरनाक है तब तो। अच्छा बात नहीं है। खैर अभी तो हम लोग बैठे हुए हैं क्योंकि अब पढ़ने बैठेंगे तो फिर कीड़े आ जाएंगे, तो मूड अलग डिस्टर्ब हो जाता है। एक दिन हम पढ़ने का सोचे थे भाई, फिर उस दिन इतने कीड़े आ गए, तो उसके बाद से आज तक हम बुक नहीं छुए। तो खैर आज कोशिश करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि लिखने का अपने जितना काम था वो तो हो चुका है पिछले लैब में ही, पिछले जो आठों लिख लेते, तो अब हम लिखने का तो कुछ नहीं है, अब बस चिल करने का टाइम है। अभी ये एक दिन और है, फिर तो अपना घर चले जाएंगे 4-5 दिन के बाद, फिर आएंगे, फिर देखेंगे भाई, फिर बढ़िया से विंटर आर्ट मनाएंगे फिर। ठीक है, अभी मिलते हैं दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब अगले ब्लॉग आने में टाइम लगेगा क्योंकि अब मैं घर जाऊंगा, तो मे भी 1-2 सप्ताह बाद ही अब ब्लॉग वगैरह आएगा, तब आएंगे तब डेली देखेंगे, अगर हो सकेगा तो डेली कर लेंगे, बाकी देखा जाएगा तब का तब क्या करना है क्या नहीं। बाकी सब्सक्राइब करें गाइस।